हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और अभी बच्चे जा रहे हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। साफ कर दियो लिप्स, अपना चिक साफ कर दियो। सही है, अब तो और आज इनका काटा एग्जाम है कंप्यूटर का। तो बेस्ट ऑफ लक, आप भी बोल दीजिए बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बाय बाय बाय। नहीं है नहीं है नहीं है। तो चलिए बच्चों को साथ। आज सिर क्या है ना, सिर में दर्द हो रहा है। तो बच्चे तो चले गए स्कूल, अब मैं लगती हूँ अपने कामों में। और पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं होता है, पता है, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। तो सुबह 5 बजे तक की मैंने, देखिए, सबसे पहले ये ब्लाउज़ सिला है। देखिए मैं दिखाती हूँ, और 3 ब्लाउज़ मैंने पहले सिल ली हैं, वो डिज़ाइन वाले नहीं थे, और ये डिज़ाइन वाला है। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये रखा हुआ है, तो ये मैंने सुबह जग के सिलाए। और किसी की जेब से पैसे निकलवाना इतनी आसान बात नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत 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 ज़्यादा, तब जाके हमें कुछ चंद रुपए मिलते हैं, जिन्हें पाकर हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे मेहनत की कमाई है, तो उन्हें हम बहुत ही संभाल कर खर्च करते हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये बैक हुक ब्लाउज़ है। तो ये मैंने स्टिच किया है, ये इसकी डोरियाँ हैं पीछे, और ये आगे से कुछ इसका इस तरीके से डिज़ाइन है, ये देखिए। और पीछे से दिखाती हूँ, अच्छे से मैं रख नहीं पा रही हूँ एक हाथ से। और ये इधर लगे हुए हैं इसके हुक, और स्लीव्स हैं इसकी 10 इंच की। तो बताइएगा कैसा बना है। और अभी कुछ ब्लाउज़ मेरे को सिलने हैं, तो जिनकी मैं अभी कटिंग करूँगी। और पहले लगती हूँ, देखिए घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, तो अभी करती हूँ मैं घर के कामों को शुरू। और ये गेहूँ बनाए थे ना, तो वो रखा हुआ है आटा, तो ये भरना है मुझे। तो चलिए, देखिए ये रूम भी, अभी बच्चे गए हैं तो रिवीजन कर रहे थे, तो उनकी कॉपियाँ बुक वगैरह सब सब बिखरा हुआ पड़ा है। तो बस अब मैं करती हूँ अपने कामों को जल्दी से शुरू। Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. Sunshine running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm so close to the end.
देखिए किस तरह बुक्स चारों तरफ पड़ी रहती हैं उनकी। और ये देखिए, ये इतना एरिया मेरा साफ़ हो चुका है और ये एरिया साफ़ हो गया है। अब बस ये एरिया मुझे साफ़ करना है। पहले इन बुक्स को रख के आती हूँ उस रूम में, क्योंकि बच्चे तो जिस टाइम पढ़ते हैं कोई भी सामान अच्छी तरह नहीं रखते हैं। तो ये देखिए, ये भी सारी बिखरी हुई पड़ी है। तो पहले मैं इसको बेड पर रख देती हूँ ना, तो अभी आके देखती हूँ, क्योंकि एक रूम का काम ख़त्म हो, एक तरफ से काम करते जाओ तो सही रहता है। तो बस अभी ये एरिया और मुझे साफ़ करना है बस, फिर मेरा इस रूम का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी मैं जल्दी से कर देती हूँ साफ़। देखिए ये पूरा रूम क्लीन हो चुका है। और बस अब मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में सफाई करने के बाद जो मेरा सिलाई वाला रूम है उसमें मैं सफाई करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में अब मुझे करना है काम, और करना तो सारा मुझे ही है, और अगर कनिष्का होती तो वो हेल्प कराती है। और बस अब किचन में देखिए, बर्तन थे जो वो मैंने सारे लगा दिए हैं, और ये रखी हुई है। सुबह चाय बनी थी लेकिन मेरा दोबारा चाय पीने का मन कर रहा है। तो देखिए अभी शिव के पापा आते हैं तो उनसे बोलूँगी, वो बनाएंगे, क्योंकि बच्चे को छोड़ने गए हैं अभी, आप लोगों ने देखा। और ये बर्तन साफ़ करने हैं, और पूरी किचन मेरे को साफ़ करनी है। और जो ये स्लाइडर हैं ये तो अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई का काम मुझे करना है, तो इन्हें मैं करूँगी शाम को साफ़। तो अभी तो नहीं कर रही हूँ, शाम को ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर इन्हें साफ़ नहीं करो तो यहाँ से जो सब्ज़ी छोंकते हैं ना तो वो इधर पूरी जमा हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो बस, और आज बनेगी दाल चावल, क्योंकि बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है, तो उनको तो रोज़ दाल चावल देते जाओ। तो दाल चावल बनाऊँगी, और फिर ये जो आटा रखा हुआ है ये मुझे भरना है। तो इसे मैं देखिए अभी भरती हूँ या शाम को भरती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं है, मेरा दिमाग चारों तरफ घूमता रहता है, घर का काम, बच्चों को देखना, और अपना सिलाई पर भी फोकस करना, क्योंकि अब मैंने दोबारा शुरू कर दिया है धीरे धीरे, क्योंकि मेरे जो कस्टमर हैं वो मुझे मेरा काम छोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बीमारी तो अब मेरा पीछा मुझे पता है नहीं छोड़ने वाली है। तो देखिए, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से, चाहे वो बीमारी हो या कुछ भी हो, मैं किसी भी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। मुझे उसका सामना करने की भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और मैं गर्व करती हूँ कि मुझे, मतलब मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि मैं हर चीज़ को सहन कर सकती हूँ। तो देखिए चलिए बस लगती हूँ, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो करते हैं अपने कामों को। और देखिए ये रूम भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, ये देखिए पूरी अभी जो बुक्स रख के गई थी वो पड़ी हुई हैं ये, और ये इनके कपड़े मैंने प्रेस किए थे शाम को। लेडीज़ के पास जो सारे काम होते हैं वो मेरे पास भी हैं, तो उन्हें करने के साथ साथ मेरे को जो मेरा काम है उस पर भी फोकस करना होता है, और यूट्यूब पे जो वीडियो बनाती हूँ इसकी एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। तो माइंड इतना मेरा घूमता रहता है चारों तरफ कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ, पर ठाकुर जी ऐसी बात नहीं है, सबका साथ देते हैं तो मेरा भी साथ देंगे, और वो मेरे हर काम में मेरी हेल्प करते हैं। और आप लोगों ने जो वो वीडियो है बरसाने वाला, तो वो देखा या नहीं देखा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो हम होली से पहले गए थे बरसाना, क्योंकि वहाँ बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन सब जगह जो होली होती है,
तो वह ये वहीं से होली शुरू होती है। तो वहाँ हम गए थे सबसे पहले कान्हा जी से और राधा रानी जी से होली खेलने के लिए। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और राधा मैया के वहाँ दर्शन भी कराए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को। उसमें कीर्ति मंदिर गए थे हम, वृंदावन गए थे और गोवर्धन गए थे और आपका बरसाना गए थे। तो बहुत आनंद आया था। और हर महीने जाते हैं तो देखिए इस महीने कहाँ जाते हैं, और परिक्रमा लगाने तो जाते ही जाते हैं, और वृंदावन बिहार जी के दर्शन करने तो जाना ही जाना है हर महीने, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि वो हमें बुला लेते हैं। तो देखिए इस बार कहाँ जाते हैं। तो बहुत बातें हो गई। और फ्रेंड्स देखिए, चलिए वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़े से अच्छे लगते हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।